मैं एक्चुअली भी जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज देखने, और वो आईमैक्स को मैं आज देखूँगा। तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी कुछ 3:50 के आसपास हो रहा होगा और मैं जा रहा हूँ देखने आईमैक्स, क्योंकि आईमैक्स का पैसा थोड़ा गिर है। 1200 से स्टार्ट हुआ था, अब जाके 590-600 के आसपास पहुँच जाए। तो एक्चुअली मैं कभी आईमैक्स में देखा नहीं हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम है। हम लोग महाराजा में देखने वाले लोग कहाँ आईमैक्स भाई। अगर लेकिन आईमैक्स महाराजा से छोटा हुआ ना, मैं पैसा मांगूंगा वहाँ पे वापस। पास में ही वीआर है, तो जो कि पीवीआर का है, वीआर बेंगलुरु। तो ये लोग मेरे को वहाँ और छोड़ने के बाद ये लोग अपने रास्ते निकल जाएंगे, बाबू लोग। ए देखना मास्क है कि नहीं उसके नीचे, देखना हमें नहीं जा वापस, वापस नहीं जा। ये रहा मास्क हमारा है क्या, देखो यार। तू भाई खर्चा बढ़ा दिया ना भाई, अभी देखे जाओ 300 डॉलर पे काम किया। तो अभी हेलमेट कितने का तो अभी आज लगता है सन कितना दिन बाद देखे ब्रो, आज आज धूप कितना दिन बाद हो रहा है? एक हफ्ते। तो एक डेढ़ हफ्ते के, डेढ़ नहीं, एक 10 दिन के आसपास जाके धूप देखी अभी हो रहा है। नहीं तो बारिश 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 से फोरकास्ट में भी बारिश ही दिखा रहा था, लेकिन ये धूप अभी आ गया तो अच्छा लग रहा है। लेकिन लगता नहीं है ज़्यादा देर तक, क्योंकि बादल भी है उधर, तो फिर से बारिश होना है। वैसे मैं दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि अभी और 7-8 दिन बारिश होगा। देखते हैं, यहाँ का वेदर का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो सीधा वीआर के आगे मिलता हूँ मैं भाई। यहाँ पे ना ऐसे रास्ता वास्ता क्रॉस करते करते मर जाओगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़, और वो रहा ये फोनिक्स मार्केट की थी, यहाँ पे मैं आया था यही जूता खरीदने। और वो है वीआर, अभी मैं इसको लेंस क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं वीआर पहुँच चुका हूँ, और कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है मॉल। अच्छा लिफ्ट है, झटका वटका नहीं देता। यहाँ पे जो सारे लिफ्ट होते हैं ना, इस पर धड़ाम करके खींचेंगे, अभी धड़ाम करके गिरा देंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, देख रहे हैं, मैं इसमें बताऊंगा कि 2D 3D आईमैक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं भी काफ़ी सोच रहा था कि आईमैक्स में से क्या है क्या है, मैं कभी देखा नहीं हूँ। तो मैं देखूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि क्या डिफरेंस। 40 का कुछ टिकट पड़ा, और देखते हैं अभी क्या होगा। एक्सपीरियंसिंग द आईमैक्स। So watch the Doctor Strange. So Doctor Strange देख लिया मूवी, एवरेज लगा, जैसे कुछ मतलब खास लगा नहीं।
अभी अब मार्वल जो अभी मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट लेके आए ठीक है, बट स्टोरी काफ़ी वीक था। अगर आईमैक्स किया था मैं एक्चुअली, एंड लेट मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी कि आईमैक्स किया है। तो अब अगर 2D में देखोगे तो दैट्स नॉर्मल, इतना का आएगा आपका 2D, ठीक है। तो फिर आप जब उसको देखोगे 3D में तो कुछ हॉल का इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, स्लाइट डिफरेंस स्क्रीन का साइज। तो स्क्रीन का साइज और देन आपको 3D आता है, और जो IMAX 3D है तो उसमें आपको थोड़ा बेटर प्रोजेक्टर मिलता है, देन यू हैव अ बेटर इवन साउंड एंड ऑल। बट ऐसे कुछ लगा नहीं मेरे को। वेल साउंड क्वालिटी नॉर्मल था जैसे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो साउंड मुझे लगा नहीं, एज पर माई एक्सपेक्टेशंस वैसा ही था। लेकिन डिफरेंस जहाँ है वो है 3D का जो द वे यू सी द 3D। नॉर्मल 3D में जाओगे ना तो हाँ लगता है हल्का फुल्का 3D है, आ रहा है जा रहा है थोड़ा सा बाहर है, मगर जो IMAX का 3D है वो आपको थोड़ा और बेटर मिलेगा। इट्स मोर यू नो इट्स मोर रियल, लगता है कि हाँ पास में है कुछ, ऐसे उड़ के जा रहा है कुछ कर रहा है। वेल दे आर गुड, द पिक्चर क्वालिटी और जो चश्मा का क्वालिटी एवरीथिंग दैट्स वर्क परफेक्टली फाइन एज यू एक्सपेक्ट। और जो स्क्रीन का साइज़ है वो थोड़ा ये इतना था ना, तो स्क्रीन का साइज़ क्या है अब पूरा रूफ तक आ जाता है। तो अगर आप मेरे को देख रहे हो ये वीडियो में पीछे से तो ये नॉर्मल कैमरे में कि आपको साइड में दिखता है, मगर जैसे ही आप उसको बोलते हैं ना लाइट बंद करके देखोगे तो आपको दिखता नहीं है। तो जो स्क्रीन है वो पूरा रूफ से कनेक्टेड रहता है, तो बिगर स्क्रीन ऑब्वियसली। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये अब बेंगलुरु में जितने भी IMAX हैं दे आर नॉट 70mm, दे आर आइदर LIMAX और नॉर्मल IMAX। सो वो एक है। तो ये IMAX आर नॉट एक्चुअल IMAX जो कि 8 मंजिल 8 फ्लोर्स बिग वैसे तब का है नहीं। एनीवे और जो डॉक्टर स्ट्रेंज था काफ़ी एवरेज स्टोरी था, कुछ ऐसे खास लगा नहीं। मुझे लगता है ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ये काफ़ी एवरेज मूवी है, दे हैव नॉट मेड इट परफेक्टली। सो अवॉइडिंग ऑल दिस एनीवे, आप देख रहे थे धूप था, अभी बारिश हो गया है जब मैं हॉल में था, और मुझे शिवांग लेने आया, कहीं कहीं होगा आगे, एक्चुअली थोड़ा आगे है, मैं देखता हूँ कहाँ आपको कॉल लगाता हूँ। तो अभी घर पहुँच गए और आज तो पूरा घिस गया, मूवी भी उतना कुछ खास था नहीं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। एनीवे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।